माइंड लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। बता दें सोनाली फोगाट के केस में जहां एक और ड्रग सप्लायर रामदास दत्ता और उसके साथी को बेल मिलने से सोनाली फोगाट के करीबी उनके परिवार का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब इन ड्रग सप्लायर पर सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां पहले सीबीआई जहां पहुंचती है गोवा के कर्लिस रेस्टोरेंट यानी कि इस रेस्टोरेंट के मालिक एडविन मूंज के पास और उनसे पूरा सच उगलवाती है कि क्या कुछ यहां पर हुआ इस पूरे केस में और क्या इस साजिश में एडविन मूंज के साथ उनकी बहन भी शामिल है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि कर्लिस रेस्टोरेंट नाम पर एडविन मूंज नहीं बल्कि उनकी बहन के इस बात का खुलासा खुद उन्होंने हिरासत में किया गोवा पुलिस के सामने। अब इसके बाद सीबीआई जा पहुंचेगी ड्रग सप्लायर रामदास दत्ता और उसके साथी के पास और यहां पर क्या सबूत हाथ लगते हैं ड्रग सप्लायर ने, क्या यहां पर ऐसा खुलासा सोनाली फोगाट के केस में किया है जिसके बाद अब परिवार को बड़ी खुशखबरी मिल रही है। क्या बताया है इसने पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान के घिनौने साजिश से जुड़ा, जिसे सुनकर सीबीआई के अधिकारियों के भी होश हो गए। आखिरकार ऐसा क्या जानता है ड्रग सप्लायर रामदास दत्ता, आज के इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे और खुलासा करेंगे कि आखिरकार इन 5 दिनों में कहां तक पहुंची है सीबीआई की जांच की रफ्तार और कितना सॉल्व हुआ है सोनाली फोगाट के केस। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सोनाली फोगाट केस में जहां एक ओर सीबीआई अपनी रफ्तार तेज कर रही है तो वहीं दूसरी ओर गोवा के एनडीपीएस कोर्ट ने इस केस में शामिल ड्रग सप्लायर रामदास दत्ता और उसके खास दोस्त को बेल दे दी है। जी हाँ, मात्र 30,000 का जुर्माना लगाते हुए और कई शर्तों के साथ रामदास दत्ता को जेल से बेल दे दी गई है, जिसके बाद सोनाली फोगाट के करीबी और उनके परिवार का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जहाँ इससे पहले भी कर्लिस रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नून को बेल दी थी, उस वक्त भी सोनाली फोगाट के परिवार ने लगातार गोवा सरकार और गोवा के कोर्ट पर भी सवाल उठाया था। उस बीच परिवार ने सीबीआई को ये केस सौंपने की मांग तेज कर दी थी और आखिरकार गोवा सरकार ने परिवार की जिद के आगे घुटने टेकते हुए इस केस को सीबीआई को सौंपने की अर्जी गृह मंत्रालय में भेजी, जिसके बाद 15 सितंबर से सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया है। और अब जिस तरह से इस केस में शामिल ड्रग सप्लायर रामदास दत्ता और उसके दोस्त को बेल मिल गई है, लेकिन यहाँ पर रामदास दत्ता की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जी हाँ, सीबीआई अब जा पहुंची है ड्रग सप्लायर रामदास दत्ता के गिरेबान तक और अब यहाँ पर पूछताछ हो रही है कि आखिरकार क्या है उस आखिरी घिनौनी रात का सच। बता दें कि पहले भी रामदास दत्ता ने अपनी कन्फेशन में बताया था कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने बीते 22 अगस्त की रात उससे 12,000 की ड्रग्स खरीदी थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सीबीआई के हाथ लग गया है। जी हां, आपको बता दें बीते 18 सितंबर को सीबीआई गोवा के ग्रैंड लियानी रिसोर्ट पहुंचती है, जहां पर पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाता है और करीब 10 से 12 घंटे छानबीन करने के बाद वीडियोग्राफी और 3D मैपिंग करने के बाद फाइनली कई सबूत हाथ लगे। इन्हीं में एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगता है, जिसमें सोनाली फोगाट जहां एक ओर स्विमिंग करती हुई दिख रही हैं स्विमिंग पूल में, तो वहीं दूसरी ओर सुधीर सांगवान एक शख्स से बातचीत करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक ये शख्स और कोई नहीं बल्कि ड्रग सप्लायर रामदास दत्ता ही है। रामदास दत्ता को लेकर एक और बड़ा खुलासा जो सीबीआई ने किया वो ये है कि रामदास दत्ता न केवल इस केस में ड्रग सप्लायर है बल्कि वो होटल ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में वेटर का काम करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहां पहले एडविन नून पर सवाल उठा, तो अब कहीं ना कहीं ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट के स्टाफ पर भी सवाल उठ रहा है। इस बीच एक बात सामने आई कि जिस तरह से सोनाली फोगाट केस के में पीए सुधीर सांगवान ने 22 अगस्त की रात रामदास दत्ता से करीब 12,000 का ड्रग्स खरीदा, ये वही ड्रग्स है जो उस रात सोनाली फोगाट को बोतल में मिलाकर पिलाया जा रहा था।
जिसका सीसीटीवी फुटेज भी गोवा पुलिस के पास था, जो अब सीबीआई को सौंपा जा चुका है। ये सब देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि सोनाली फोगाट के केस में कई ऐसी परतें हैं जो कहीं ना कहीं गोवा पुलिस खोलने में नाकामयाब रही। लेकिन जब से सीबीआई के हाथ में ये केस आया है, उम्मीद हर कोई यही लग रहा है कि जल्द से जल्द केस में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, कोई बड़ा खुलासा होगा। हालांकि 18 सितंबर के बाद कहीं न कहीं सीबीआई की रफ्तार भी धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ड्रग सप्लायर को बेल मिल गई, लेकिन सीबीआई का अगला कदम क्या है, इस पर अभी तक कोई खास बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार सोनाली फोगाट के केस में अगला कदम क्या होगा सीबीआई का, कहां जाएगी सीबीआई और कहां से निकलेगा सोनाली फोगाट के केस का वो घिनौना राज जिसे 22 अगस्त की रात को दफना दिया गया था, या फिर सोनाली फोगाट का केस भी बाकी और केस की तरह दब कर रह जाएगा। क्या सोनाली फोगाट के करीबी, उनके परिवार और उनके फैंस भी इंसाफ की उम्मीद छोड़ देंगे, जिस तरह से बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस में उनके फैंस छोड़ चुके हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से सोनाली फोगाट के केस में लगातार सीबीआई अपनी जांच की रफ्तार तेज कर रही है, जहां एक और ड्रग सप्लायर रामदास दत्ता ये कबूल कर चुके हैं कि उन्हीं से खरीदा था पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सागवान ने 12,000 का ड्रग्स, जिसका वीडियो भी अब सीबीआई ने कलेक्ट कर लिया है गोवा के ग्रैंड लियोनी होटल से। जी हाँ, आपको हमने बताया भी था कि सीबीआई के हाथ ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट से जहां कई डॉक्यूमेंट्स, जहां दो सूटकेस लगे, तो इसी के साथ उस स्विमिंग पूल का एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ में लगा, जिसमें जहां एक ओर सोनाली फोगाट स्विमिंग करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर सुधीर सांगवान और सुखविंदर इस ड्रग सप्लायर से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब सीबीआई की पूछताछ से पहले ही ये सच सामने आ गया है कि रामदास दत्ता ने सोनाली फोगाट को जबरदस्ती पिलाने के लिए सुधीर और सुखविंदर को 12,000 का ड्रग्स दिया था। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई कि क्या सोनाली फोगाट सुधीर और सुखविंदर के ड्रग खरीदने की बात जानती थी या नहीं, लेकिन अभी भी पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। जहां एक और रामदास दत्ता से सीबीआई ने पूछताछ की, तो अब अगला नंबर है उसके साथी का। जी हाँ, यहाँ पर दो ड्रग सप्लायर हैं, रामदास दत्ता का साथी भी है। अब देखने वाली बात होगी कि जब सीबीआई रामदास दत्ता के दूसरे साथी से सवाल जवाब करती है, तो और कौन से खिलौने और काले राज खुलते हैं उस आखिरी रात के, जिसके बाद सोनाली फोगाट ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।